हेलो गाइस, विमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। आरसीबी की कप्तान स्मृति मानधना ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ और दिल्ली कैपिटल्स ने एक जोरदार शुरुआत की। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने आई शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग, दोनों ने पहले पावर प्ले तक 57 रन जोड़े और इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 162 रन जोड़े, जिसमें मैग लैनिंग ने 43 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 72 रन बनाए। वहीं शेफाली वर्मा ने 45 गेंदों में 10 चौका और 4 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। जेमिमा रॉड्रिग्स की 22 रन और मरीजैन कैप की जोरदार 17 गेंदों में 39 रनों के साथ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 223 रन तक पहुंचा। आरसीबी की ओर से इधर नाइट ने 2 विकेट लिए, बाकी सभी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर के खेल में 223 रन 2 विकेट खोकर बनाई और आरसीबी को 224 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी आरसीबी ने संभली हुई शुरुआत की, लेकिन 5वें ओवर के दूसरे गेंद पर सोफी डिवाइन 11 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गई। फिर बराबर अंतराल पर विकेट गिरने की सिलसिला जारी रहा। स्मृति मानधना ने 23 गेंदों पर 5 चौका और 1 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद एलिसे पेरी ने 31 रन बनाकर आउट हो गई। हिदर नाइट ने 21 गेंदों पर 2 चौका और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हो गई और मेगन सूट के नवाद 30 रनों के मदद से आरसीबी 20 ओवर खेल पाई और 20 ओवर में केवल 163 रन ही बना सकी। आरसीबी ने 163 रन 8 विकेट खोकर बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 60 रनों से जीत हासिल किया। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज तारा नॉरिस ने 4 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट लिए। साथ ही एलिस कैप्सी ने 2 विकेट और शिखा पांडे ने 1 विकेट लिए। मैच में अच्छा प्रदर्शन के लिए तारा नॉरिस को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।